हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू योर चैप्टर 5 बेसिक्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट। हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। एमएस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में आप कैसे टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे, अब यहाँ इससे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो हम वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द स्लाइड वेयर यू वॉन्ट टू एड अ टेक्स्ट बॉक्स। आपको जिस भी स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है उस स्लाइड को आपको सेलेक्ट करना होगा। स्टेप 2, क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। इंसर्ट टैब रिबन में जाके इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, क्लिक टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप। इसके बाद टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कीजिए। स्टेप 4, ड्रैग टू ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स वेयर यू वॉन्ट टू एड टेक्स्ट। अब जहाँ भी आपको टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है वहाँ पे वो ड्रॉ कीजिए और वहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट कीजिए। स्टेप 5, नाउ टाइप द टेक्स्ट यूजिंग द कीबोर्ड एंड क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद अपना टेक्स्ट टाइप कीजिए और बाहर अपने टेक्स्ट बॉक्स से क्लिक कीजिए, आपका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप हो जाएगा। नाउ हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट। आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में आप कैसे वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। वर्ड आर्ट को मैंने आपको एमएस वर्ड वाले चैप्टर में भी बता चुकी हूँ कि स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 1, अब इसके कुछ स्टेप्स दे गए हैं जो वन बाय वन अब देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। सबसे पहले रिबन में जाके इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप 2, क्लिक वर्ड आर्ट फ्रॉम टेक्स्ट ग्रुप। उसके बाद टेक्स्ट ग्रुप में वर्ड आर्ट पर क्लिक कीजिए। अ गैलरी अपीयर्स विद अ डिफरेंट वर्ड आर्ट स्टाइल्स। आपके सामने गैलरी अपीयर होगी यानी कि कई सारे स्टाइल के वर्ड्स दिखेंगे। स्टेप 3, सिलेक्ट द स्टाइल्स ऑफ योर चॉइस। अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी टेक्स्ट का स्टाइल चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं। अ वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्लाइड। आपके सामने एक वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा। स्टेप 4, राइट योर टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक आउटसाइड इट। राइट क्लिक कीजिए आप अपने टेक्स्ट बॉक्स पे और आउटसाइड इनके बाहर क्लिक कर दीजिए। द स्लाइड नंबर डिस्प्लेज द पोजिशन ऑफ द स्लाइड विद इन द प्रेजेंटेशन। और फिर आपकी स्लाइड नंबर भी आपकी प्रेजेंटेशन में शो होगी। हाउ टू इंसर्ट स्लाइड नंबर। अब आप कैसे स्लाइड नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। रिबन में जाके इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप 2, क्लिक द स्लाइड नंबर फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में जाके स्लाइड नंबर पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, द हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक द स्लाइड नंबर चेक बॉक्स। आपके सामने एक हेडर एंड फुटर का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उस पर स्लाइड बॉक्स का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप चेक कीजिए। स्टेप 4, क्लिक अप्लाई टू ऑल बटन। यू सी नंबर स्लाइड नंबर इंसर्टेड ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ ई स्लाइड। आप देखेंगे आपकी हर एक स्लाइड में स्लाइड नंबर इंसर्ट हो चुका होगा। हाउ टू डिलीट अ स्लाइड। अब आप कैसे स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, इसके स्टेप दिए गए हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट अ स्लाइड यू वॉन्ट टू डिलीट। सबसे पहले जिस भी स्लाइड को आपको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। स्टेप 2, क्लिक द होम टैब, फिर होम टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, क्लिक डिलीट फ्रॉम द स्लाइड्स ग्रुप। डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, स्लाइड्स ग्रुप में होता है। द स्लाइड गेट्स डिलीटेड, आपकी जो स्लाइड है वो डिलीट हो जाएगी। हाउ टू सेव आवर प्रेजेंटेशन। अब आप एमएस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को कैसे सेव कर सकते हैं, उसके भी यहाँ स्टेप दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक द ऑफिस बटन। सबसे पहले ऑफिस बटन जो होता है आपके सबसे टाइटल बार के लेफ्ट कॉर्नर पर, ये ऑफिस बटन है तो इस पर क्लिक कीजिए। स्टेप 2, क्लिक द सेव ऑप्शन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। सेव ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। स्टेप 3, टाइप द फाइल नेम। आपको जिस भी नाम से अपनी फाइल को सेव करना है वो नाम दीजिए अपनी फाइल को। स्टेप 4, क्लिक द सेव बटन, फिर सेव बटन पर क्लिक कीजिए, आपकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगी। So students, we will continue this chapter in our next video. Thank you. Stay home, stay safe.